आज का हमारा रिवीजन टॉपिक है फ्रैक्शन। प्यारे बच्चों, मैंने आपको उसकी डीपीपीसी सेंड कर दी थी एंड होपफुली सबने सॉल्व कर लिया हो। आज हम इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 45, 14 अपॉन 5 एंड 2 अपॉन 3 सो दैट द डिफरेंस इज 1 होल 1 अपॉन 2। मतलब 14 अपॉन 5 एंड 2 अपॉन 3 के सम करना है पहले, है ना, इनका सम करना है। तो इनके सम कर लेते हैं सबसे पहले, 5 एंड 3 कैंसिल 15, तो यहां पे हो जाएगी 3 से इंटू एंड यहां पे हो जाएगी 5 से इंटू, तो ये हो गया हमारा 42 एंड ये हो गया हमारा 10 अपॉन 15। तो इनको सॉल्व करेंगे हमारा 52 अपॉन 15, तो ये आ गया हमारा सम। नेक्स्ट डिफरेंस, तो डिफरेंस बोला है किसका डिफरेंस, कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो डिफरेंस आए 1 होल 1.2 आए। तो लेट कर लेते हैं, x मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड या x शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो 52 अपॉन 15 माइनस x इक्वल्स टू 1 होल 1.2, तो 52 अपॉन 15 एलसीएम आ जाएगा हमारा 15, या इसको बाद में करेंगे सॉल्व, पहले इधर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 होल 2 वन जे 2 एंड 1 3 अपॉन 2। x निकालना है, जो नंबर्स है इधर लिए आते हैं, एलसीएम लेंगे 2 एंड 15 का एलसीएम 30 और यहां पे हो जाएगी 15 से इंटू एंड यहां पे हो जाएगी 2 से इंटू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यहां से है, तो माइनस x इक्वल्स टू 45 माइनस 104 अपॉन 30, दोनों को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 9 एंड यहां पे आएगा हमारा 9 में से 4 गया 5, 59 अपॉन 30। माइनस का साइन, x निकालना है हमें, तो ये माइनस का साइन इधर पहुंचाना पड़ेगा, तो माइनस 59 अपॉन 30, तो नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड एज माइनस 59 अपॉन 30, तो ऑप्शन सॉरी माइनस की है ना, बड़ी वाली माइनस है ना, तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 59 अपॉन 30, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला है ए वर्कर यूजेस 3 होल 1 अपॉन 3 ml ऑफ 45, ठीक है, 3 होल 1 अपॉन 3 ऑफ 45 ml ऑफ पेंट टू पेंट ए बोर्ड। एक बोर्ड को पेंट करने के लिए इतना पेंट को यूज कर लेते हैं, हाउ मच पेंट वॉज लेफ्ट इन द कैन ऑफ 700 ml, तो 700 ml की कैन में कितना पेंट बचेगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं पेंट दे यूजेस, या द पेंट दे यूज्ड, पेंट यूज तो कितना उन्होंने यूज कर लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 एंड 1 10, 10 अपॉन 3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इसमें से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 150 ml, तो उन्होंने 150 ml यूज कर लिया, तो पेंट वॉज लेफ्ट कितना बच गया, 700 था टोटल, उसमें से 150 यूज हो गया, तो हमारा बचा 550, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, तो 550 ml, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको सिंप्लीफाई करना है, 1 होल 1 अपॉन 5 प्लस 4 3 अपॉन 7 प्लस सॉरी माइनस 2 5 अपॉन 8, तो इसको सॉल्व करेंगे 6 अपॉन 5 28 एंड 3 31 अपॉन 7 50 16 एंड 5 21 अपॉन 8, इन सबका एलसीएम लेते हैं 5 7 8, तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा, इन सब का एलसीएम आ जाएगा 280, ठीक है, तो 6 में किससे मल्टीप्लाई करें 280 आ जाए, तो 56 है, नहीं, 56 है, ठीक है, तो 280 एलसीएम आ गया, तो 5 मीडियल में 280 कितनी बार में आएगा, 56 बार में, तो इसके ऊपर वाले 56 इंटू 7 मीडियल में 280 कितनी बार में आएगा, 40 टाइम्स, माइनस 8 के डेल में 20 कितनी बार में आएगा, 35 टाइम्स, ठीक, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 6 एंड 36 3 कैरी एंड 4 एंड 12 0 माइनस 35 21 35 70, तो ये आ गया हमारा 735
एंड पूरे के नीचे जो एलसीएम है 280, ठीक है। इन दोनों को एड कर लेते हैं, 6751 माइनस 735 1280, दोनों को माइनस किया मैंने, यहाँ पे बचा 1 4 एंड यहाँ पे 8 अपॉन 280, और इन दोनों को सॉल्व करके आ गया 841 अपॉन 280, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। 841 अपॉन 280, 7 से काट के देख लेते हैं, 7 से नहीं कट रहा, किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसको हमें सॉल्व करना है। 15 अपॉन 6 प्लस 13 अपॉन 12 एंड 2 होल 1 अपॉन 3, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 7 अपॉन 3 एलसीएम लेंगे, 12 6 3 12 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। अब ये एलसीएम ना लेने की एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, एलसीएम लेने की एक छोटी सी ट्रिक होती है कि इसमें हमको ना क्या देखना होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर जैसे इसमें 6 इसमें 12 इसमें 3, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया 12, क्या ये 12 इन दोनों के टेबल में आता है? अगर इन दोनों के टेबल में आता है तो एलसीएम नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये सपोज यहां पे कोई एक ऐसा नंबर लिखा होता, तो ये सबसे बड़ा नंबर है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या इसके और इसके टेबल में ये नंबर आता है, तो हाँ उनकी टेबल में भी आता है और एक की टेबल में आता है, तो यस एलसीएम यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम लेने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, मोस्टली अप्लाई हो जाती है, पर जिसमें अप्लाई नहीं हो तो फिर आपके पास वो रही एलसीएम वाला फॉर्मूला, उसको सॉल्व करते हैं। 6 के टेबल में 12 2 बार में, 12 के टेबल में 12 1 बार में एंड 3 के टेबल में 12 4 बार में, तो ये 30 प्लस 13 प्लस 28 अपॉन 12, ठीक है। सबको ऐड करा हमने तो ये आ जाएगा हमारा 30 30 43 43 में 8 18 28 ऐड करेंगे 1 एंड 6, तो 61 अपॉन 12 ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे भी सॉल्व करना है। तो 9 अपॉन 2 प्लस 6 एंड 8 अपॉन 3 प्लस 24 एंड 29 अपॉन 6 एलसीएम लेंगे, वही अगेन सबसे बड़ा नंबर 6, 2 के में भी आता है 3 के भी आता है, तो एलसीएम 6, ठीक है। अब ये देखना है 2 के में 6 कितनी बार में, 3 बार में, 3 के टेबल 6 2 बार में, 6 के टेबल 6 1 बार में, तो 27 प्लस 16 प्लस 29, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27 16 29, ये हो गया हमारा 13 22 5 6 7, तो 72 अपॉन 6, तो 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 12, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, हमको एक फ्रैक्शन दिए हुए कुछ, उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बहुत सिंपल तरीका होता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, जो भी इनके नंबर नीचे वैल्यू लिखी हुई है उनका एलसीएम ले लेंगे, तो 6 6 5 10 का एलसीएम हमने लिया है, 2 3 3 5 5, फिर अगेन 3 1 5 5 5 1 1 1 2, ठीक। तो एलसीएम आ गया 3 2 6 एंड 6 5 30, एलसीएम आ चुका हमारा 30 5 1 6 7 अपॉन 6 8 अपॉन 5 एंड 9 अपॉन 10, तो सबके नीचे 30 बनाना है, तो 6 के डेल में 35 बार में ऊपर भी 5 से इंटू, 6 के डेल में 35 बार में ऊपर भी 5 से इंटू, 5 के डेल में 36 बार में तो ऊपर भी 6 से इंटू, एंड 10 के डेल में 33 बार में तो ऊपर भी 3 से इंटू। हमें क्या करना है ना, सबका डिनोमिनेटर 30 बनाना है, तो जो डिनोमिनेटर को 30 बनाने के लिए जिससे इंटू कर रहे हैं उसी सब पर भी कर देंगे, है ना। सबके डिनोमिनेटर देखो मैंने 30 बनाया, जो भी हमारा एलसीएम आएगा वही डिनोमिनेटर में बनाना है, तो 30 बनाने के लिए यहाँ तो 6 था, और मुझे 6 को क्या करूँ मैं 30 बनाऊ,
तो यहाँ पे मुझे क्या किससे इंटू करनी पड़ेगी, 5 से। तो जैसे जिससे नीचे इंटू कर रहे हैं उसी से ऊपर भी कर दू, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एस सीधा, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है, तो सबसे छोटी वैल्यू फिर बड़ी फिर उससे बड़ी एंड लास्ट में सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी वैल्यू तो उसमें 25 है, वो किसका था 516 का। फिर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 27, ये था 9/10, उससे बड़ी 35, 7/6 एंड लास्टली 8/5। तो ये हमारा सीक्वेंस है 5/6, 9/10, 7/6 एंड 8/5, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने आपको डिवीजन मेथड बताया था, उसको डिवीजन मेथड से रखो डायरेक्टली। तो डिवीजन मेथड से करने के लिए बड़ी वैल्यू अंदर एंड छोटी वैल्यू वहां, तो बचा करेंगे 1168, यहाँ बचा 4 एंड यहाँ पे बचा 4, 8, 6 में से बन गया 5। अब जो भी नंबर हमारा बचा, रिमाइंडर बचा, उससे जो पहले हमारा डिवाइजर था उसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 जा बड़ा आ जाएगा, नहीं 2 जा नहीं, 2 जा सही आ जाएगा, 2 8 16 2 10, ठीक है। तो ये कट गया पूरा पूरा, तो हमारा जो क्या कहते हैं SCF आया है वो है 584, और SCF से इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देंगे बस। तो डिवाइड करके जो भी आएगा वही आंसर है 584। ये कट जाएगा हमारा 3 बार में एंड ये कट जाएगा हमारा 2 बार में, तो 3/2 आंसर है हमारा ऑप्शन डी, डी करेक्ट, ठीक है, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है तो राम के पास 18 पेन है, उसने 1/3 ऑफ द टोटल पेन गिव टू हिज ब्रदर, उसने अपने ब्रदर को कितना दे दिया टोटल का 1/3, तो ब्रदर के पास कितना पेन हुआ, इसका 1/3 करेंगे तो बच्चा हो गया 6, तो 6 पेन उसने अपने भाई को दे दिए एंड 1/2 ऑफ द रिमेनिंग टू हिज सिस्टर, मतलब बचे हुए के मतलब रिमेनिंग कितना है 18 - 6, तो रिमेनिंग है हमारा 12 का 1/2 अपनी सिस्टर को दे दिया, तो सिस्टर को कितने पेन दे दिए उसने, इसका 1/2 निकाल देंगे रिमेनिंग का, सिक्स पेन अपनी सिस्टर को दे दिए। आगे बोला हाउ मेनी पेन लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास कितने बचे, तो टोटल 6 पेन अपने भाई को दे दिए, 6 पेन अपनी बहन को दे दिए, टोटल 18 पेन थे, 18 में से 6 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 6, ठीक है, मतलब 12 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 6, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, अपनी बहन को उसने 6 पेन दे दिए। मतलब टोटल उसके पास एंड में 6 पेन बचे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है देयर इज अ 200 ml इन ए ग्लास, एक ग्लास में 200 ml मिल्क है, और जो कि कितने के इक्वल है 2/5 फ्रैक्शन के इक्वल है, ठीक है। आगे रवि ड्रिंक 1/4 ऑफ इट, और रवि ने इसका 1/4 पी लिया, तो रवि ड्रिंक उसने कितना पी लिया इसका 1/4, तो 200 ml का 1/4 हो गया हमारा 50 ml, तो 50 ml पी लिया उसने, तो बचा कितना रिमेनिंग मिल्क इन द ग्लास 200 - 50, तो आगे हमारा 150 ml, तो 150 ml जो मिल्क है वो ग्लास में बच गया। अब आगे से हमसे पूछा है तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास, तो ये जो 150 है ये कितने फ्रैक्शन के इक्वल है, ये हमने इसने हमसे पूछा है, ठीक है। तो हमने देखो क्या करना है, 200 ml जो है हमारा वो 2/3 फ्रैक्शन के इक्वल है ना, 2/3 फ्रैक्शन के इक्वल। अब हमें यहाँ पे 150 का बनाना है कि 150 कितने फ्रैक्शन के इक्वल होगा, तो 150 बनाने के लिए इस 200 की 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 200 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जैसे मैं इसको 200 से डिवाइड करूंगा तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 150 ml आ जाएगा। जो चीज हमें यहाँ करिए सिमिलर चीज इधर कर देंगे, 150 से इंटू एंड 200 से डिवाइड, तो हमें पता चल जाएगा कितने फ्रैक्शन के इक्वल है ना, और सिंपल है ना, इसमें हमको फ्रैक्शन दिया हुआ है पहले से कि 200 4/5 फ्रैक्शन के इक्वल है,
तो हमको ये तो बताना है कि 150 कितने फ्रैक्शन के इक्वल होगा, तो इधर ml की जगह यहाँ पे 200 ml की जगह 150 ml बनाना है, तो इसको मैं क्या करूंगा 200 को हटा दूंगा तो मतलब उससे डिवाइड कर दूंगा, और 150 बनाना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 200 से 200 यहाँ पे ऐसे कैंसिल आउट हो गया, तो इधर तो 150 ml आ गया, और जैसे इधर 150 ml आया, अब ये हमको देखना है कितने फ्रैक्शन के इक्वल है, उसको सॉल्व कर देंगे, 5 3 जा एंड 5 4 जा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 और इधर 3, तो मतलब ये 3 अपॉन 10 फ्रैक्शन के इक्वल है, ठीक है। तो ये 3 अपॉन 10 फ्रैक्शन के इक्वल है, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी, ठीक है, सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है ए बुक है 800 पेजेस, ए बुक में 800 पेजेस है, और रोहित ने उसके 2/5 पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो उसका 2/5 पढ़ लिया है, तो मतलब अच्छा ऐसे 2/5 पढ़ लिया है ना, तो हाउ मच फ्रैक्शन इज लेफ्ट टू रीड, तो कितना पढ़ने को बचा है, 2/5 पढ़ लिया है तो कितना पढ़ने को बचा, 1 में से इसको माइनस कर देंगे, है ना, रिमेनिंग ही तो पूछ रहा है, तो 1 में से 2/5 को माइनस कर दो, ऐसे मिलेंगे 5 माइनस 2, तो 3/5 पढ़ने को पूछा है अभी, ठीक, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। अब उसने बोल दिया जैसे कि मेरे पास कुछ पैसे है, मैंने उसको 2/3 खर्च कर लिया या 2/5 खर्च कर लिया, तो मेरे पास कितना बचा, तो टोटल फ्रैक्शन हम मानते हैं 1, तो 1 में से उसको माइनस कर दो, जो माइनस करके आएगा वही तुम्हारे पास बच गया, ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं।